और असलमकम स्टोडी में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए वायरस की तो हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन जो होता है इट इज़ बेसिकली सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ एंड इट डज़ नॉट लीड टू क्रॉनिक हेपेटाइटिस नॉट डज इट लीड टू एनी कैरियर स्टेट हेपेटाइटिस ए होता है क्यों हेपेटाइटिस ए यूजली ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ़ एनी कॉन्टेमिनेटेड वाटर या ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ़ एनी कंटेमिनेटेड फूड फीकल कहते हैं फीकल औरल रूट से ही होता है कि वो वाटर uh, की सप्लाइज या वो फूड जो कि ह्यूमन की फीस से ह्यूमन की वेस्ट से कॉन्टैमिनेट हुए हुए उनको इंजेस्ट करने से हेपेटाइटिस ए के वायरस होते हैं यूजली जो कंट्रीज़ जहाँ पे पोर हाइजीन और पोर सैनिटेशन होती है वहाँ पे ज़्यादातर हेपेटाइटिस ए के हमको इन्फेक्शन मिलते हैं और ये देखा गया कि जब किसी भी इंडिविजुअल को हेपेटाइटिस ए का वायरस हो जाता है तो एक तो हर जब भी किसी को हेपेटाइटिस होता है हर हेपेटाइटिस में हमको जॉन्डिस का सिम्टम तो मिलता ही है जो हेपेटाइटिस ए का वायरस होता है जो उसमें क्यूट में जो हमें सिम्टम मिलते हैं जॉन्डिस का उसमें यह देखा जाता है कि जो हेपेटाइटिस ए वायरस जो इट सेल्फ होता है इट इज़ शेड इन द स्टूल फॉर टू टू थ्री वीक्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस एंड देन इट इज़ शेड इन द स्टूल आफ्टर वन वीक ऑफ ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस और ये भी देखा जाता है कि जब भी किसी बंदे को हेपेटाइटिस ए हो सो so उससे बेहतर यही है क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट ना किया जाए क्योंकि देर से चांस कि उससे भी हमको हेपेटाइटिस ए वायरस हो सकता है आ, मतलब कॉन्टेजियस तो नहीं होता लेकिन बेहतर यही होता है कि जिस बंदे को वायरस है उससे ज़्यादा क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट ना रखा जाए या कहते हैं उस एरिया में जिस एरिया में एक बंदे को हेपेटाइटिस ए वायरस है वहाँ पे जो वाटर या फूड सप्लाईज हैं उनकी प्रॉपरली स्क्रीनिंग की जाए या प्रॉपरली उनको एक तरफ से डी किया जाए और ये भी देखा गया है कि जो ओवर क्राउडेड और जिन रीजन्स में ओवर क्राउड ओवर पॉपुलेशन में भी होती है और जिन रीजन्स में अनसेंट्री कंडीशन होती हैं वहाँ पर हमको वाटर बॉर्न एपिडेमिक्स मिलते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस की अब हेपेटाइटिस ए वायरस इट्स सेल्फ क्या है वो हम माइक्रोबाजी में पढ़ चुके हैं कि एट इज़ अ नॉन एनवेलेट पॉजिटिव स्ट्रैंड आर एन ए कोरोना वायरस और इसमें बेसिकली ये हेपेटोसाइट्स को डैमेज किस तरह करता है एक तो हेपेटोसाइट्स पे रिसेप्टर होता है एच ए वी सी आर वन उनके साथ जाके बाइंड करता है और फिर वहाँ पे इट इज़ नॉट सैटो खुद पर डैमेज नहीं करतालीपेटोलर इंजरी होती कैसे जो हमने थर्ड में पढ़ी थी होती ऐसे है कि जो नेशनल किलर सेल्स औरट्स होते हैं वो बेसिकली इंफेक्टेड हेपेटोसाइट्स को वो करते हैं डिटेक्ट करते हैं और वहाँ पर जाकर जब वो वायरसेस को अटैक करते हैं तो इट्स दे ऑल्सो लीड टू तो किलिंग ऑफ द हेपेटोसाइट्स विच आर इन्फेक्टेड बाई द वायरस एंड दस दे कॉल एंड दस दे बेसिकली कॉज एक तरफ से साइटोपैथिक अफेक्ट जो टील इंफोसाइड्स और सेल्स होते हैं वो बेसिकली सेल का हेपेटोसाइड्स का कर डैमेज करा रहे होते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्लिनिकल फीचर्स इसके ये हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड फॉर हेपेटाटिस ए वायरस टू टू सिक्स वीक्स आई जी एम एंटीबॉडी यूजली अपेयर कर जाती है विदिन दहते हैं ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड इट प्रोसेस फॉर थ्री टू सिक्स मंथस और फिर थ्री टू सिक्स मंथ्स के बाद यूजली सिक्स मंथ्स के बाद आई जी एम खत्म हो जाती है आई जी जी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में क्या कहते हैं रहती है इन्फेक्शन के केस पे भी एंड इट आल्सो परसिस्ट फॉर ईयर्स जिसकी वजह से हमें एक तरफ से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है अगेंस्ट द री इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस स्पेसिफिक सिम्टम्स मिलते हैं हमको फोटीक मिलती है लॉस ऑफ हेपेटाइट मिलती है और जॉन्डिस मिलता है मोस्टली पेशेंट्स तीन महीने में रिकवर हो जाते हैं वायरस से और मैक्मम नेरली ऑल ऑफ द पेशेंट्स दे कहते हैं कंप्लीटली रिकवर फ्राम हेपेटाइटस ए वायरस आफ्टर सिक्स मंथसीए उन्होंने ग्राफ बताया हुआ ये ग्राफ एक तरफ से मैं इसकी डिप्रेशन देता हूँ कि इन्होंने दिखाया हुआ कि यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड है इंक्यूबेशन पीरियड क्या है टू से सिक्स वीक्स है हेपेटाइटिस ए वायरस का जो कि उन्होंने लाइफ पीरियड दी हुई है टू से सिक्स वीक्स इंक्यूबेट किया है हेपेटाइटिस ए ने एक्यूट डिजीज है भाई यहाँ पे हमें सिम्टम्स फैले जॉन्डिस के एज वी कैन सी के जॉन्डिस से वीकेंड सके के जॉन्टस दो से तीन हफ्ते पहले जो फीकल वो थी कॉन्सेंट्रेशन थी हेपेटाइटिस ए वायरस की वो बढ़ती गई और फिर जॉन्डिस आने के भी एक हफ्ते बाद फीकल हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो प्रेजेंट रहा टोटल एंटी एच ए वी एंटीबॉडी इंक्रीज करके प्लेटो पे चली जाएगी क्योंकि टोटल एंटी एच ए वी एंटीबॉडी इज़ बेसिकली आई जी एम प्लस आई जी जी जो आई जी एम एंटीबॉडी है वो शुरू के छः महीने तक इंक्रीज़ करेगी फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी जिस तरह हम देख सकते हैं कि छः महीने बाद वो ख़त्म हो जाएगी या कर, कुछ कुछ इंडिविजुअल्स में तीन महीने में उसका बेसिकली डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है और जो आई जी एंटी एच एंटी ए एंटी जो आई जी जी एंटीबॉडी है हेपेटाइटिस ए वायरस के खिलाफ वो सिक्स मंथ्स के बाद वो बेसिकली प्रोसेस करती है और वो इंक्रीज रहती है फॉर सम सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हेपेटाइटिस ए वायरस आगे उन्होंने इसकी कुछ एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनीफेस्टेशन भी लिखी हुई हैं वो अगर नहीं भी याद हूँ तो कोई बात नहीं जिस तरह उन्हें बताया गया कि वेरी uh, अनकॉमन लेकिन एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनीफेस्टेशन हमको रैश आर्थरलजी ल्यूकोसाइटो क्लासटिक वैस्कुलाइटिस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और क्राइग्ग्लोबिल क्रायोग्लोबल मिल सकता है और हेपेटाइटिस ए वायरस के हमें पता था इसकी ट्रीटमेंट किस तरह होती है कि इसको स्ट्रीट uh, तो नहीं कर सकते लेकिन इसकी जो प्रिवेंशन है वो हम वैक्सीन के थ्रू करा सकते हैं विच फॉर्स ट्विन रिक्स सो दैट वॉज ऑल हेपेटाइटिस ए आई होप इसकी समझ में आ गया थैंक यू